और ग्राफ भी, यस ग्राफ मतलब ग्राफ नहीं समझ में आया ना, यही दिक्कत है ना। लिमिट में भी हाँ यस प्रॉब्लम जी है, बेटा। लिमिट भी नहीं आ रहा समझ, मतलब लिमिट कैसे ली थी इसने। हाँ ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे। देखो बेटा, सबसे पहली बात है कि आपको दिया है एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि आपको कहाँ से लेना है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। ठीक है, ग्राफ आपको जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन आएगा उसमें ही लेना है। अब ये एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। y इज इक्वल टू रूट एक्स पैराबोला ही होता है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा था बेटा, तो मैंने सिर्फ नीचे वाला ग्राफ ना लेकर के काट दिया था, ऊपर वाला लिया। और बेसिकली y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ भी यही होता है। रीजन इज कि यस फोर्थ सर, क्वाड्रेंट में y जो होता है नेगेटिव होता है, एंड रूट एक्स अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो बेटा यहाँ पे y जो होगा आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ये पॉसिबल नहीं है। बट रूट एक्स इज इक्वल टू टू ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई हम ये बोलते हैं कि ये जो ग्राफ होता है वाई इक्वल टू रूट एक्स का सिर्फ यही लिया जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई यही बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा क्या कर रहा है, इसको स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करके लिख दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वाई की जगह पे कुछ भी रखूंगा, देखो एक्स आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बात करते हैं पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं पॉजिटिव है, वाई आप नेगेटिव लो पॉजिटिव लो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसलिए क्या किया जाता है कि जब एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का आप ग्राफ बनाओगे तो ये एक इस साइड वाला राइट साइड का पैराबोला बन जाता है। लेकिन रूट एक्स में हम लोग ये नीचे वाला पार्ट क्यों नहीं कंसिडर करते हैं बेटा, क्योंकि रूट एक्स जो होगा आप लिख रहे हो रूट एक्स इक्वल टू वाई, दैट मीन्स आप एक स्पेसिफाई कर रहे हो कि रूट एक्स जो है एक क्वांटिटी की इक्वल है, जो क्वांटिटी वाई है, और वो क्वांटिटी क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा। जीरो इज एक्सेप्टेबल, जीरो हो सकता है क्योंकि जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है, बट वाई कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हम क्या करते हैं बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हटा देते हैं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाले सारे वाई का वैल्यूज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ओवरऑल चीज आता है, ओवरऑल जो हमारा ग्राफ आ जाएगा रूट एक्स का, ये ग्राफ यही आएगा जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है आपको। अब बात ये था कि एक लाइन बनाना था वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो मैं वाई इक्वल टू एक्स जो ओरिजिन से पास होगा, माइनस टू का मतलब ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे आ जाओ। 2 यूनिट नीचे आने का मतलब कि एक्स पे भी एक्स को 2 पे कट करेगा, वाई को माइनस 2 पे कट करके जाएगा। अब ये लाइन से बनने वाला जो रीजन था वो ये था, मैंने आप लोगों को बेटा बता के रखा है कि जब भी आप अपर कर्व लोअर कर्व देखोगे एक चीज ध्यान में देना है। ध्यान देने वाली बात ये है कि सर मैं अपर कर्व और लोअर कर्व, यहाँ पे अपर कर्व कोई और है, नीचे लोअर कर्व कोई और है, इस रीजन में अपर कर्व कोई और है, लोअर कर्व कोई और है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपका अपर वाला कर्व है बेटा वो है रूट एक्स का, वाई इक्वल टू रूट एक्स का, और जो नीचे वाला कर्व है ये है वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन है तो वाई जीरो होगा। मैं सर ये रीजन की बात करूं तो ये रीजन तो ऑब्वियस बात है कि सर अभी भी ये वाई इक्वल टू रूट एक्स ही है, बट जो आप नीचे का कर्व देख रहे हैं अब ये कर्व वाई लाइन, एक्स एक्सिस ना होकर के अब ये लाइन मिल गया। तो बेसिकली हमें दो दो रीजन यस मिल सर, रहे हैं, तो हमें पहले इस रीजन का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और इस रीजन का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहले लिमिट लूंगा यस जीरो सर, से लेकर 2 तक। अब आप बोलोगे सर ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि 2 है पॉइंट, तो बेटा देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन था डीएक्स ये था वाई इज डीएक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो आपका वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू एक्स माइनस टू, और यहाँ से एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करोगे आप? y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, क्योंकि लाइन y एक्सिस को कट कर रहा है तो x का वैल्यू हो जाएगा जीरो, एक्सिस जीरो जीरो माइनस जाएगा, विल बी y इक्वल टू माइनस टू, सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी जीरो कॉमा माइनस टू। समझ में आया? हाँ जी। अब बात आती है बेटा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने कैसे फाइंड किया। तो देखिए जब कभी भी मैंने लिखा रहूंगा कहीं पे तो लिखा रहूंगा, मैं ऊपर में कहीं पे लिखा रहूंगा कि व्हेनेवर वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स वी जस्ट इक्वेट बोथ इक्वेशन, बोथ कर्व्स हम दोनों को इक्वेट कर देंगे और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ पे वाई का वैल्यू है बेटा रूट एक्स, ये ग्रीन वाला और ब्लू वाला लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के इक्वेशन को इक्वेट किया जाएगा। ग्रीन वाला का जो इक्वेशन है बेटा वो है वाई इक्वल टू रूट एक्स, जो ब्लू वाला लाइन है वो है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब दोनों साइड वाई वाई है, लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड इक्वेट कर दीजिए आप। इन केस अगर बेटा इधर वाई स्क्वायर होता तो मैं इक्वेट नहीं करता, क्योंकि वाई और वाई स्क्वायर इक्वेट नहीं कर सकते आप, आपको इधर रूट लिखना पड़ता। या अगर इस साइड रूट होता तो मुझे अभी भी इक्वेट नहीं कर सकते हम, दोनों साइड वाई होना चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करके इक्वेट करता। ठीक है, फिलहाल बहुत अच्छा खासा है तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू।
मैं इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बेटा रूट हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग करोगे, मैंने स्क्वायर किया था मेरे को एक्स का वैल्यू मिला था 4 and 1। अब क्वेश्चन ये था कि सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आप 4 लोगों की 1 लोगे, क्या लेने वाले हो? तो बेटा ऑब्वियस ही बात थी कि जब ये पॉइंट 2 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसे आगे मिल रहा है, तो 1 तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आप 4 ही लोगे। यस अब देखो सवाल बहुत वैलिड सा है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आप एक चीज एनालाइज करोगे कि सर आपका एक्स का वैल्यू 2 आया है, एक एक्स का वैल्यू आया 4 और दूसरा एक्स का वैल्यू आया 1, लेकिन जो 1 आया 4 तो मान लो आपने यहाँ पे बोल दिया कि एक जगह कट किया, दूसरा बार कहाँ पे कट कर रहा है मुझे ये बता दो आप। आपको कभी नहीं दिखेगा कि ये ग्रीन वाला लाइन और ब्लू वाला लाइन कभी कट कर रहे हैं, कभी दिखेगा ही नहीं आपको। तो सवाल ये आता है कि सर ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है क्या, ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है? हाँ जी बेटा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन होता है। अब आपको मालूम पड़ेगा अगर फंक्शन आप बेसिक से पढ़े रहोगे ना, तो फंक्शन में एक चीज बता जाता है कि जब भी हमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलता है हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल जहां से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया था वहां पे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को रख करके देख लेते हैं कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब मैं एक एक करके आपको क्लियर कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक सा सवाल पूछा है आपने, तो बेसिक पे ही जाकर बात करूंगा। देखिए बेटा हमें एक्स का वैल्यू 2 आए थे, पहले मिला था एक्स इक्वल टू 4, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था ये वाला, क्योंकि इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने ये 2 आंसर लाया। अब एक काम कीजिए, एक्स का वैल्यू जब आप बेटा 4 रखोगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, 4 माइनस 2 इज 2, क्या स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी सर, मतलब एक्स का वैल्यू 4 एक्सेप्टेबल था। अब बात करते हैं 1 का, तो ये हो जाएगा बेटा रूट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, अगेन आप रूट का 1 तो 1 ही हो जाएगा लेकिन 1 माइनस 2 माइनस 1 हो, क्या एक्सेप्टेबल है? नहीं है। इसलिए आपको क्या दिखा बेटा कि कर्व ने 2 बार कट नहीं किया खुद को, जो हम कर्व का वैल्यू लेने वाले हैं 4 ही लेंगे और 1 तो आता भी नहीं क्योंकि 2 इधर है तो 1 इधर आएगा, इस साइड इस रीजन में कर्व काटा ही नहीं, बेचारा नीचे चला गया। बात समझ में आई बेटा मैंने क्या बताया आपको? हेलो हेलो सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। पॉइंट को ध्यान दो, बहुत जरूरी चीज बताया हूं आपको, रेंज फाइंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल है इसका, कि जब कोई भी इक्वेशन फाइंड करते हो और सॉल्यूशंस ज्यादा आ जाएं, आप देख रहे हो सर पॉइंट ये कर्व जो है इंटरसेक्ट एक बार कर रहे हैं, आप 2-2 वैल्यू लेकर आ गए, दूसरा बार तो कट किया ही नहीं, दूसरा बार कट कब करता, जब ये कर्व को मैं कुछ इस टाइप से ले लेता, ये कर्व कुछ ऐसा ले लेता, तो देखो आपको यहाँ पे भी एक मिल जाएगा और एक यहाँ पे भी मिल जाएगा, अब की बार तो था ही नहीं ना कहानी में। अब हमें चेक करना था सर कौन सा, आप क्यों बोल रहे हो कि 1 को रिजेक्ट करना था, सिंपल सी बात है बेटा, ये वैल्यू रख करके आप दिखा सकते हो, ये रीजन है। अब मैंने क्या किया बेटा, एक फंक्शन को कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, ये फंक्शन क्या था, ये जो कर्व है आपका अपर कर्व कौन सा है, रूट एक्स, लोअर कर्व क्या है, 0 एंड 0 से 2 लिमिट है, एक बार 2 से 4 ले लीजिए, इस रीजन को इंटीग्रेट कर दीजिए, सामने आपको दिख रहा है कैसे किया है मैंने। बात समझ में आई क्या? आगे नाउ देयर वाज वन ट्रिक आल्सो कि आप वैसे भी कर सकते थे, बट आपको क्या करना पड़ता ना, आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते, आप कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काट करके देख लो, आपको सिर्फ 2 ही कर्व मिलेंगे, ये वाला कर्व, 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 देख रहे हो आप? Yes, sir. इसलिए जब ज्यादा रीजंस मिलते हैं तो हम एक बार अप्रोच कर लेते हैं कि क्या सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने से काम बन रहा है क्या, तो अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर भी बना सकते थे। द ओनली थिंग यू हैव टू डू कि राइट वाला कर्व को एक्स इक्वल टू समथिंग लिखना पड़ेगा, राइट वाले कर्व को भी, लेफ्ट और राइट दोनों कर्व को, मतलब ये कर्व किसका था, अब बात हो रही है तो ये भी सिखा देता हूँ, ये कर्व किसका था बेटा, y is equal to x minus 2 का। अब आपको y equal to something नहीं करना पड़ेगा, अब आप जब horizontal लेते हो तो x equal to something create करना पड़ेगा, तो x equal to हो जाएगा बेटा y plus 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप बता दीजिए आप लोग खुद से, x is equal to y square, अब दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए। नाउ द थिंग इज कि सर एक बात बताइए, आपने बोला है राइट माइनस लेफ्ट करने का, तो आप बोल रहे हो सर एरिया आपका आ जाता राइट, मतलब कि y प्लस 2 माइनस में y स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे। हाँ जी सर, अब जब यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कट कर रहे हैं तो आपको y यहाँ पे आएगा और y का लिमिट लिखना पड़ेगा, अब y का लिमिट कैसे मालूम पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको, तो y का लिमिट बहुत आसान है बेटा, सबसे नीचे कहाँ पे है, 0 पे, सबसे ऊपर कहाँ तक गया है, तो सबसे ऊपर बेटा आपको ये पॉइंट मिल रहा है,
मतलब आपको ये पॉइंट ढूंढना पड़ता। ये पॉइंट ढूंढने का आसान तरीका है बेटा कि यहाँ पे x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि जब x का वैल्यू आ जाता है, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कहाँ पे अप्रोच करना चाहिए, आपको ओरिजिनल इक्वेशन में रख दीजिए। यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू हो जाएगा रूट 4 इक्वल टू 2, तो हाइट क्या हो गया 2, तो 0 से 2 में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आई? यस सर। तो दोनों तरीका है, आप कैसे भी अप्रोच कर सकते हो, आपकी मर्जी है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इनफैक्ट मैं ऊपर कई सारे सवालों को देखिए, मैंने ऊपर ही लिखा था, याद रखें, ए प्रॉब्लम इज टू फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, इक्वेट इक्वेशन ऑफ कर्व टू फाइंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस मेथड को यूज करके हम कोई टू कर्व्स के, कोई दो कर्व्स के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। यार इतना अच्छे से लिखा था फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो गए, ओके नेवर माइंड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके बहाने कई सारे बच्चे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लिए। एक तो एक्स्ट्रा चीज बताया आपको कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आता है तो क्या करना चाहिए। यस सर, यस सर। अब आते हैं आज का टॉपिक में, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बेटा, जहां तक मेंस का सवाल है, मेंस इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन खेलता है। अच्छी बात क्या है कि कई सारे जो टॉपिक्स हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जिस टॉपिक पे बोलूंगा फोकस करना है उसी टॉपिक के पीछे आपको भागना है, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं भागना है। जो टॉपिक होगा आसान सिर्फ आप उसमें एनसीईआरटी से ही करेंगे, ताकि आपके बेसिक फंडस क्लियर रहे और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कोई बेकार सा बुक लेकर आ गया, उसमें ऑलरेडी डिग्री पे सवाल किए जा रहे हो, बेटा मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तो इस पूरे चैप्टर में मैं जिस एरिया में, जिस रीजन में बोलूंगा बेटा आपको इस रीजन में सबसे ज्यादा एफर्ट डालना है, उसी रीजन को सबसे ज्यादा बार प्रैक्टिस करना। जैसे एरिया अंडर कर्व में मैं बोला बेटा ज्योमेट्रिकल कर्व पे ज्यादा फोकस करना, मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में बोला था बेटा प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करना, उसमें भी किंग क्वीन और जैक प्रॉपर्टी, इन पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट चीजें पे फोकस कीजिए और बाकी के लिए आप बेसिक एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, दैट इज इनफ। अब बात आती है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, राहत की सांस लीजिए क्योंकि चैप्टर आसान है। इनफैक्ट बोला जाए तो एवीडी के बाद जितने भी सारे कैलकुलस होते हैं आसान ही होता है, तो ये भी आसान ही है, लेकिन मजा आएगा सबसे ज्यादा बात ये है। नाउ द थिंग इज कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं सर इक्वेशन कंटेनिंग थ्री थिंग्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, इस लाइन का मतलब आपको बाद में समझ में आएगा, तो इसको भी छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी की लिखा रहता ना, जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं से मैंने लाइन लिया था, तो मतलब आपको बाद में समझ में आएगा। पहले मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझा देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो अपने साथ तीन चीजें को रखता है, और तीनों चीजों का नाम क्या है, पहला चीज होता है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान से सुनते जाइएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड उसके बाद वो अपने साथ रखेगा डिपेंडेंट वेरिएबल को, एंड थर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कहानी में ये तो चाहिए ही चाहिए, वो है आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल बचपन से आप सुनते जा रहे हो सर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है वो चीज जो खुद से चेंज हो, डिपेंडेंट वेरिएबल जो चीज किसी के चेंज होने से चेंज हो, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो। ऐसा बोला जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्लियर लैंग्वेज में बताया जाए तो बेटा ये होता है एक्स, ये होता है वाई, एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं बेटा dy by dx, लेकिन जरूरी नहीं है कि dy by dx ही हो सकता है d square by dx square हो सकता है कि d cube by dx cube हो, प्योरली आपकी मर्जी है, dy cube divide by, अरे देवा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव dx cube, आगे भी लेकर जा सकते थे d4y dx power 4, ये सारे के सारे क्या है बेटा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है, जिनको रेट मेजर बोला जाता है, जिनको डेरिवेटिव बोला जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ये वही चीज होते हैं। अब इस तीनों में क्योंकि चैप्टर बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे लिए कहानी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा
वो होगा सिर्फ ये वाले टर्म्स, बाकी ये है नहीं है कैसे है क्या है फर्क नहीं पड़ता है। वापस सुन लीजिए, है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता है और किस फॉर्म में है ये भी हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारा पूरा का पूरा टारगेट ये होना चाहिए कि बेटा आपका रेस का घोड़ा कैसा है। रेस का घोड़ा समझते हो ना, जो हॉर्स रेसिंग में यूज किया जाता है, मैं उसका नाम बोलता हूँ। तो बेसिकली मैं पूरे चैप्टर में डीवाई बाई डीएक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को रेस के घोड़ा से भी बोलता हूँ, क्योंकि सबसे मेन यही होते हैं। रेस करने गए और घोड़ा ही बीमार पड़ गया, जंग लड़ने का घोड़ा की तबियत खराब, तो बेटा हार जाओगे आप। तो इनको ध्यान से रखना और इनको ध्यान से समझना, इनकी बारीकियों को ध्यान से समझना ही हमारा पूरे चैप्टर में काम होगा। वंस अगेन, जस्ट गिव मी वन मिनट बेटा, समटाइम्स इट हैपेंस, एनीथिंग। यहां पे आ जाते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में मैं ये बोल रहा था कि हमारा जो मेन चीज होगा वो होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इनके बारे में थोड़ा भी कंसर्न नहीं होंगे। नाउ एक एक बार जाना इनका फॉर्मेट दिखा देता हूं, बेसिकली आप जानते हो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक बात बताइए बेटा, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर, अब मैं इतना टाइम पास ना करते मैं ऐसा लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ जी सर है। yes, sir. क्या ये अभी भी है? हाँ जी है। क्या इन दोनों को हटा दूं तो भी है? हाँ जी है। क्या सर ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है? मान लीजिए कि मैं इसको ऐसा लिख दूं, बाप रे, मैं इनको ऐसा लिख दूं, y डैश प्लस y डबल डैश का स्क्वायर प्लस y ट्रिपल डैश का होल क्यूब प्लस x प्लस e पावर x प्लस साइन वाई, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ yes, sir. अब एक और चीज कि क्या बेटा ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है? लॉग मान लीजिए मैंने लिखा लॉग, आ जाना बेटा, लॉग वाई डैश प्लस साइन एक्स वाई डैश, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं yes. अब ये नहीं है, मैं जरा टिक कर देता हूं, ये था ये भी था ये भी था, लेकिन ये हमारा नहीं है। रीजन इज कि हम कुछ चीजें को ध्यान में रखते हैं और उसके बाद ही हम डिफरेंशियल, ऑब्वियस बात है ना, रेस का घोड़ा है तो यार कोई भी घोड़ा थोड़ी उठाकर दौड़ा दोगे आप, थोड़ा अच्छा तो दिखना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये लॉग के साथ है, बेकार है। यहां पे भी आपका डेरिवेटिव जो है फंसा हुआ है साइन के साथ, बेकार है सर। हाँ अगर आप चाहो तो इनको आजाद करो, नहीं कर पा रहे हो तो बेटा मना कर दो कि तुम हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो, लेकिन इनमें कुछ चीजें हैं। ऐसा आई एम नॉट सेइंग डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, हैं, बट इनका ऑर्डर और डिग्री में लोचा होता है, वही ध्यान देने वाली बात। यस बिल्कुल, इनफाइनाइट बोल भी सकते हो, या कई कई लोग बोलते हैं कि इक्वेशन इज नॉट कंप्लीट तो हम बता भी नहीं सकते हैं, वेरी गुड। तो मैं बोला ये हमारे लिए डाउटफुल रहेंगे ना, डाउट रहेगा यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे लेकिन इनका ऑर्डर डिग्री में लोचा हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ध्यान से देखोगे बेटा कि मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है उनको मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से लेता हूँ। सो आपको भी क्या करना है, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पता चल जाएगा कि आज आपको कितना घर पे पढ़ना है, उससे ज्यादा एक चीज भी नहीं पढ़ना है, उसके ज्यादा के लिए मैं हूं। नाउ द थिंग इज बेटा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को मैं एक बार लिख रहा हूं, मैंने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को रेस का घोड़ा बोला है, रेस का घोड़ा बोला है। अब ध्यान दीजिएगा, और ये जितना इंग्लिश में लिखा है ना बेकार सा अच्छा सा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता ही नहीं हूं मैं पढ़ूं, बस दे दिया हूं बस ऐसा कि आपको कभी डाउट है तो पढ़ लेना। बेटा एक बार ध्यान दीजिए, रेस का घोड़ा आपको कितने बार दौड़ा, ऑर्डर होगा कितने बार दौड़ा, मैं लिख दे रहा हूं, घोड़ा जितने बार दौड़ेगा वो आपका ऑर्डर होगा, कितने बार दौड़ा ये आपका ऑर्डर डिफाइन करेगा। ऑब्वियस बात है ना कि जीतेगा भाई जो सबसे ज्यादा बार दौड़ा होगा सर, इनाम तो उसको मिलेगा जो सबसे ज्यादा बार दौड़ेगा,
जो सबसे कम बार दौड़ा उनको क्या इनाम मिलेगा? तो रेस का घोड़ा हमारा जो जितने बार दौड़ेगा, सबसे जो ज्यादा बार दौड़ा रहेगा उसको हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। नेक्स्ट थिंग आता है डिग्री। डिग्री, डिग्री को बोला जाता है कि जो हाईएस्ट आप बोल सकते हो, जो जहां से आप ऑर्डर डिफाइन करते हैं उस डेरिवेटिव का पावर देखा जाता है। फिलहाल मैं उतना इंग्लिश में नहीं लेके जा रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं ऑनर। ऑनर समझते हो ना, मालिक, ऑनर ऑफ रेस का घोड़ा। मतलब जो जीता इनाम उसके मालिक को दी जाएगी, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, काम खत्म। अच्छा, कुछ की पॉइंट्स हैं, ध्यान देना है कि सबसे पहला चीज ये है बेटा कि अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फंसा है कहीं पे तो पहले उसको आजाद कराना है, ताकि आप उसके मालिक फंसा है ना यार, मालिक को बताना है थोड़ा ठीक से क्या यार डिफरेंशियल इक्वेशन ही फंस गया, जरा उसको आजाद करो। आजाद करने के बाद बोलो कि सर डिग्री ये है, ऑर्डर ये है। सर नहीं समझा जा रहा, एग्जांपल से समझाइए। ठीक है बेटा, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन ऐसा है, y डैश का पावर 2 प्लस y डबल डैश का पावर 2 प्लस y का पावर 3। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर बताना है और आपको ऑर्डर बताना है और आपको डिग्री बतानी है। ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन करना है आपको। तो सबसे चीज ये देखो कि सबसे ज्यादा अपना कौन है, डेरिवेटिव किसका निकल रहा है, वाई का। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन दौड़ा, सर दो बार दौड़ा। कितने बार दौड़ा है, दो बार। अब इसके ऊपर बैठा कौन है, इसका मालिक कौन है, दो। तो रेस का घोड़ा का ऑर्डर क्या है, दो, दो बार ज्यादा दौड़ा है और मालिक कौन है, खत्म। डिग्री एंड ऑर्डर डिफाइन हो गया। कभी कभी प्रॉब्लम ये भी हो जाता है कि इनका डिफाइन करना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये बोल दूं बेटा कि y डैश इज इक्वल टू, y डबल डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस dy by dx, या मैं dy by dx ना लिख करके आपको सिंपली y डैश लिखता हूं, टाइम बचेगा। अब यहां पे आप लोग देखोगे सर घोड़ा जो सबसे ज्यादा बार है वो हमारा दो बार तो दौड़ा है, लेकिन इस घोड़े का मालिक कौन है अपने को मालिक मालूम नहीं है सर। तो बेटा क्या करना है कि सिंप्लीफाई जितना बार कर सकते हो आप कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। जैसा स्क्वायर करूंगा मेरे को सारे के सारे घोड़े आजाद दिखेंगे, ये भी आजाद है, ये भी आजाद है। तो देखिए घोड़ा सबसे ज्यादा कितना बार दौड़ा है, दो बार। सो ऑर्डर क्या हो गया बेटा, टू। एंड इस जो घोड़ा जीता है इसका मालिक बता दीजिए, वो भी मालिक कौन है, टू। डिग्री क्या हो गया बेटा इसका, टू हो गया। कुछ और चीजें सीखते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए बेटा मैं ऐसा लिख दिया, e पावर डी वाई डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, इसका भी आपको ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना है। e y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश, ऑर्डर बताना है डिग्री बताना है, चलिए बताइए। Let's start. बोलिए 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 जल्दी बोलिए। हाँ जी बेटा, जीरो जीरो ऑर्डर तो नो डाउट सर आपका टू है, ऑर्डर नो डाउट टू है, क्योंकि सर घोड़ा दौड़ा तो दो बार है, इसमें डाउट ही नहीं है सर, घोड़ा दौड़ा है, इनाम मिला कि नहीं हम नहीं जानते सर। तो ऑर्डर तो इसका दो है। yes, sir. अब डिग्री की बात करते हैं। नो डिफरेंट क्यों सर, जिंदगी में कभी भी किसी के सर पे कोई बैठता है तो लोगों को बुलाते हैं, फंक्शन में भी वही। yes, हाँ। अगर फंक्शन के ऊपर कोई दिख रहा है और उसको नीचे उतारना है, लोगों को बुलाइए, लोग मतलब लॉग को बुलाइए। जी बेटा लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू लॉग वाई डैश। आप यहाँ पे देखिए सर घोड़ा वापस से कैद हो गया, आजाद रखना है इनको, घोड़े आजाद नहीं है मतलब इनाम नहीं दिया जाएगा, भले दो बार जीता लेकिन आजाद नहीं है, कैद है, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। कैन यू टेल मी द एग्जांपल एंड आंसर व्हाई इट इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड, क्यों डिफाइंड नहीं है, बोलिए। सवाल बेसिक सा है, बोलिए बेटा डिग्री नॉट डिफाइंड हम लोग क्यों बोलते हैं। Any answers, please?
जिसको मतलब आंसर जिसका नहीं निकल रहा, हां हां बोलिए, मतलब जो जिसका आंसर डिफाइनेशन हो रही है, डिग्री नॉट डिफाइंड है, आई एम टोटली एग्री बेटा कि आप लोग बिल्कुल सही बोला है, लेकिन क्यों नॉट डिफाइंड है ये? सर इसको जितनी बार मतलब ठीक है, आप लोग कुछ कुछ तो बोल रहे हो, बस आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। थीटा की जगह डिफरेंशिएशन हो रही है उसकी, तो डिफरेंशिएशन तो बेटा दो ही बार हो रही है, घोड़ा दौड़ा दो ही बार, क्योंकि e की वैल्यू कांस्टेंट है, लॉग बाय लॉग के साथ हो रही है ना। नहीं सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, नाउ द की पॉइंट, मैं जानबूझ करके डेफिनेशन के पास नहीं आया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टीच यू कि बेटा डेफिनेशन पढ़ा कैसे जाता है। मैं बोलो ना ये इंग्लिश में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है किसी बेटा ने चैट भेजा है, जरा पढ़ लेते हैं क्या उसका आंसर सही है। वाई कभी कभी लॉक से बाहर नहीं निकाल सकते, वाई डैश को कभी भी लॉक से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ ठीक है, मैं मान लिया कि नहीं निकाल सकते हैं, तो ऑर्डर टू है, डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं है, नहीं निकाल सकते तो क्यों, क्यों ऐसा बोला गया, सुनिए ध्यान से। देखिए बेटा लिखा है इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल, इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। तो जब आपको डिग्री बताना है तो जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उन सारे के इक्वेशन को आपको देखना होगा कि क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और वहां पे जो आपने देखा वो लॉगरिथमिक इक्वेशन था, लॉग में फंसा हुआ था, इसलिए हमने मना कर दिया। नाउ अगेन क्वेश्चन होता है कि सर पॉलिनोमियल ही क्यों होना चाहिए, हम पॉलिनोमियल ही क्यों रखेंगे, ठीक है यहां पे ऐसा कुछ है कहीं नहीं था। तो बेटा हर डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब आ जाइए कहानी में, रीजन क्या है, बात करते हैं पॉलिनोमियल की, और पॉलिनोमियल में भी आपको कुछ नया चीज बता दूंगा। आ जाते हैं पॉइंट पे, क्वेश्चन सिर्फ मेरा ये है कि मैं जो एक्सप्रेशन लिखूंगा आपको बताना है बेटा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बस दैट्स इट, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, जस्ट गिव मी आंसर इन यस और नो, बाद में जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। इज इट अ पॉलिनोमियल? यस सर। यस सर। परफेक्ट। यस सर। Is it a polynomial? Yes, sir. Yes, sir. है polynomial है? Yes, sir. Yes, sir. क्या है polynomial है? Yes, sir. Very good. बाकी आप कोई और लोग आंसर देंगे तो बेटा इसमें कोई हर्ज नहीं है, जूम पे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री है, बिंदास आंसर दे सकते हैं आप, कोई बुराई नहीं है बेटा, आप बिंदास आंसर दीजिए, इनफैक्ट आई विल बी मोर हैप्पी अगर बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे तो। नाउ टेल मी गाइस, इज इट अ पॉलिनोमियल नाउ? नो सर। क्या अब ये पॉलिनोमियल है? जल्दी बताइए, बहुत जबरदस्त चीज़ है। नहीं है। नो सर। ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है अभी। ठीक है। Once again, I want to verify कि बेटा सब लोग इस सारे आंसर से अग्री करते हो। Just give me an answer, yes or no। जल्दी से बेटा, बहुत सारे लोग आंसर बताइए आप लोग। Do all guys agree? Yes sir, जितने भी आंसर्स लिखे गए हैं, we are with। बोलिए। सारे का आंसर यही है कि कोई चाहता है चेंज कराना? I will wait for 2 to 3 seconds. 1, 2, 3. ठीक है। अब मैं बताता हूं आपने गलती कहां पे किया है, सही कहां पे किया है। बेटा ये बिल्कुल सही था आपका। Yes, it is polynomial. It is not a polynomial. Yes, it is also a polynomial, but it is not polynomial. This is my answer. अब फिर से कहानी आती है, सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मतलब क्या आपने देखकर नो बोल दिया, क्या आपने देखकर यस बोल दिया? दो चीजें ध्यान रखना बेटा। पहला ये होता है कि सारे जो डिग्री होते हैं, डिग्री बोला जाए या मैं बोलूं पावर्स,
पावर्स ऑफ वेरिएबल्स होल नंबर्स में रखने हैं आपको। फिर बात करते हैं बेटा टर्म्स के बारे में, ये नया चीज है, हो सकता है आप पढ़े रहोगे भूल गए रहोगे लेकिन नया चीज है। पावर्स ऑफ वेरिएबल होल नंबर्स में होने चाहिए, ये सब जानते हैं, क्लास नाइन्थ में ही पढ़ के रखे हैं। टर्म्स शुड बी फाइनाइट, कितने लोग जानते थे इस चीज को कि अगर पॉलिनोमियल डिफाइन करने सर तो नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइनाइट, जानते थे आप लोग? यस सर। ये दो चीजों को देख करके हम लोग पॉलिनोमियल को डिसाइड करते हैं। अच्छा अब देखिए गेम कहां पे होता है, जैसे आप इनकी बात करते हैं बेटा इनका गेम कहां पे होता है ध्यान दीजिएगा। कितने लोग लॉग एक्स का एक्सपांशन जानते हैं? छोड़िए ना मैं इसको उठा लेता हूं, बोलिए जरा बेटा लोग कितने लोग जानते हैं एक्सपांशन, ई पावर एक्स का एक्सपांशन बोलिए। पुराने बच्चे आप लोगों को बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा के रखा है सारा एक्सपांशन, लिमिट में मैंने सारा एक्सपांशन बता के रखा है यार, प्लीज डोंट मेक मेक मी फील इतना मतलब बैड, मेरे को फील मत कराओ यार आप लोग, बिंदास बोल दीजिए जी। याद नहीं है अब याद कर लो। देखिए बेटा ई पावर एक्स का एक्सपांशन होता है, लिख भी दे रहा हूं यार, ई पावर एक्स का एक्सपांशन होता है वन प्लस, अरे रे रे, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, और ये इनफाइनाइट तक जाता है। सिंपल सी बात है, मैं ई पावर एक्स को ये वाले मैं एक्स वाई डबल डैश मान के चलता हूं और सारे एक्सपांशन में मैंने तोड़ दिया। जैसे ही मैंने एक्सपांशन पे तोड़ा बेटा ये हो गया वन प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डबल डैश टू बाई टू फैक्टोरियल प्लस वाई डबल डैश थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस, ये ऐसे चलते जाएगा इज इक्वल टू वाई डैश। क्या मैंने सारे ही जितने भी रेसिंग में घोड़े आए थे सबको आजाद कर दिया है? हाँ जी सर सबको आजाद कर दिया है, क्योंकि सबके ऊपर पावर्स बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है सर। पावर्स ऑफ वेरिएबल होल नंबर्स होने चाहिए, हाँ जी सर है ना, इधर कुछ नहीं है तो जीरो है, इधर वन है, इधर टू है, इधर थ्री है, टोटली अग्री सर ये होल नंबर्स है। सेकेंड वाला कंडीशन वायलेट हो जाता है, टर्म्स शुड बी फाइनाइट। बेटा ये टर्म्स फाइनाइट है? नो सर। अब बात आती है कि सर ऑर्डर टू आपने कैसे क्लेम कर दिया, डिग्री आपने क्लेम क्यों नहीं किया? तो बेटा बात ये है कि ये पूरे इक्वेशन को देख करके हमें यही पता चल रहा है कि सर घोड़ा दौड़ा दो ही बार है। अब जब इनाम देने की बारी आई तो मालिक अलग अलग हो गए, कोई बोल रहा है टू, बोल रहा है मैं हूं इसके सर पे, कोई बोल रहा है मैं थ्री पे, घोड़े पे थ्री बैठा है, घोड़े पे टू बैठा है, घोड़े पे वन बैठा है, इनाम किसको दोगे? इसलिए बोला जाता है बेटा डिग्री नॉट डिफाइंड और इक्वेशन इज नॉट कंप्लीटेड। तो ये किस कंडीशन को वायलेट करता है? इसको वायलेट कर देता है, मैं जरा इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये इसको वायलेट कर देता है। बात समझ में आई नहीं आई? जस्ट आ गई सर, आ गई। एज पर द एनसीईआरटी नॉलेज सफिशियंट है कि पावर्स पॉलिनोमियल में होना चाहिए, बट वो पॉलिनोमियल बोलकर के सारा इंफॉर्मेशन हाइड कर लिया, उसने बताया नहीं कि पॉलिनोमियल आप कैसा मांगना चाहते हो। बट क्या सर हम हमेशा देखेंगे ई पावर एक्स में और बोल देंगे कि सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नॉट डिफाइंड है? नो नहीं, नहीं, मैंने बोला पहले आजाद कराने की कोशिश तो करो यार, पहले आजाद कराने की कोशिश की जाए उसके बाद हम लोग बात करेंगे। एक कहानी सुने वो बचपन में, आपको एक कहानी सुनाया जाता था बुक में कि लिखा गया था कि एक अकबर और बीरबल की कहानी थी ना शायद, हाँ, कि दो औरतें आती है झगड़ा करके आती है कि ये बेटा मेरा है ये बेटा मेरा, याद है आपको ये कहानी? हाँ। तो उसमें क्या करता है, कितना बढ़िया सा दिमाग लगाते हैं वो लोग, बोले जस्टिफाई कर देते कि हाँ ये बेटा उसका ही है। वैसे ही आपको पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करो, मान लो बेटा आपका कहानी ये रहता है ई पावर डबल डैश इज इक्वल टू वाई, क्या अभी भी इसका डिग्री नॉट डिफाइंड है? नहीं, सर पे कौन बैठा है सर, सर पे पहले बैठा है, तो लोग को बुलाइए, क्या लोग अगर काम किए? हाँ जी सर किए, वाई डबल डैश इज इक्वल टू लॉग वाई। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि हमारा जो मेन आदमी है रेस का घोड़ा है वो आजाद होना चाहिए। लोग कैसे हैं, लोग के साथ कौन बैठा है, कोई अपने पापा के साथ रेसिंग देखने गया है कि किसके साथ देखने गया है, वी डोंट केयर अबाउट दिस सर, हमारा घोड़ा आजाद होना चाहिए। यस इट इज नाउ टोटली फ्री। तो वाई डबल डैश, यहाँ पे वाई
हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, नहीं है, है कैसा है, केयर नहीं करते। अब ये साइन के साथ बैठा है, लॉग के साथ बैठा है, इसके पावर में क्या है सर, हमको मतलब नहीं है। डेरिवेटिव को पॉलिनोमियल में रखना है, दैट्स इट। अगर बेटा ये रूट वाई भी हो जाता तो हम कुछ नहीं बोलते। अगर ये साइन इनवर्स के साथ भी बैठा हम कुछ नहीं बोलता। हमारा टोटल कंसर्न होना चाहिए सिर्फ इससे और कुछ नहीं। तो अब की बार इसका ऑर्डर बता सकते हैं और डिग्री भी बता सकते हैं, तो बता दीजिए आप लोग। ऑर्डर टू एंड डिग्री वन, वेरी गुड, क्लियर है बेटा आप लोगों को? यस यस सर। अब देखिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ऑर्डर एंड डिग्री पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अगर कोई बोल दिया हाफ है सर, मतलब ऐसा कभी दिख गया ना, ऐसा कोई बच्चा अगर बोल दिया ऐसा कि सर ये लीजिए, आपके लिए एक नया चीज बता रहा हूँ मैं, बोला बता भाई, तो बोलेगा सर देखो इधर डबल डैश लिखो आप, इसको रूट के अंदर डाल दो और इधर आप ठीक है, आप मेरा बस यही ले लो सर इक्वल टू जीरो। और मैं बोल रहा हूँ सर इसका ऑर्डर आप ले लो टू, क्योंकि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, दो बार किया गया, सबसे हाईएस्ट डिफरेंशिएट कितने बार किया गया, दो बार। इसका आप डिग्री बताना है सर, हाँ जी सर बताना है, तो ये लो सर पावर में वन बाई टू। बेटा बहुत मार खाओगे आप, किसने बोला कि डिग्री पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, नहीं, डिग्री सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे हम उसको जो पॉजिटिव इंटीजर, इनफैक्ट हम माइनस को भी अग्री नहीं करेंगे सर। मतलब अच्छा ये बोलना चाहते हैं सर आपकी, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि क्वेश्चन मैंने लिख दिया y डैश इज इक्वल टू वन अपॉन y डैश, तो ये y डैश को ऊपर लेके जाओगे तो पावर में माइनस वन आ जाएगा, तो बोल दोगे सर अब की बार एक का पावर वन है दूसरे का पावर माइनस वन है, तो सर किसको लिया जाए। बेटा टेंशन ना लो, आप बिल्कुल गलत हो, पावर माइनस और वन में डिसाइड ही नहीं करना है आपको, पावर खूबसूरत है उसी में आपको डिसाइड करना है। यार मैंने इसलिए बोला ना घोड़े का मालिक और मालिक ऐसा थोड़ी बोल सर आधा इंसान मालिक है, वन बाई टू नहीं ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू वन। अब की बार सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कितने बार किया गया, एक बार, ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा एक, एक, और इसके ऊपर कौन बैठा है टू, टू, इसका मालिक कौन है, दो ही है ना, यस सर, डिग्री टू हो गया, सिंपल सी बात है। इसलिए इसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर रखना है, तो मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं, कोई चालाकी नहीं करेगा, ध्यान देगा। एक्सरसाइज 9.1, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। बेटा एक नोट और ले लीजिए मेरे साइड से, एक नोट और ले लीजिए, ये ले लीजिए नोट, मैं भी जरा इसको इसके जैसा ही लिख देता हूं, ये लो भाई मेरे साइड से भी एक नोट ले लीजिए आप। ये है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑलवेज शुड बी फ्री फ्रॉम, कहां कहां से फ्री होना चाहिए, लॉग रेडिकल्स, मैं इधर लिख देता हूं फ्रॉम रेडिकल्स, मतलब रूट्स वगैरह से फ्री होना चाहिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज गाइस कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, जो ये रखते हैं साथ में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स कंटेनिंग ई पावर ई, मैं पूरा ही लिख देता हूं ना, ई पावर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का बेटा मतलब जरूरी नहीं है कि ई पावर वाई डैश हो, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, कुछ भी हो सकता है। लॉग में आप देख जाओ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, साइन के साथ दिख जाओ, या मैं टैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ले लेता हूं, आप यहां पे दिख जाए, तो बेटा सीधा सीधा बोलिए कि सर डिग्री अभी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं है सर और कुछ नहीं, कोई पंगा नहीं है, बस पंगा किसके साथ होता है, पंगा किसके साथ होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ। और पंगा क्या क्या है सर, यही सारे पंगे होते हैं, या तो रेडिकल आ जाएगा, या तो ई के साथ आ जाएगा, या तो लॉग के साथ आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएगा। अगर ये सारा चीज आपने सेटिस्फाई करा दिया और आजाद करा दिया, देन बेटा आप ये बोल सकते हो सर नाउ
कोई पंगा नहीं है। अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आंसर आने के लिए तैयार है, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, सर कोई पंगा नहीं है। सिंपल, आ जाइए एक्सरसाइज 9.1 आपकी ही। एक बार वापस बोलूंगा बेटा कि ये डिग्री और ऑर्डर पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना है काफी, एनसीईआरटी से कीजिए काम खत्म, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन आपके सामने है, 10 सेकंड का टाइम देता हूं, 7 क्वेश्चन है, जल्दी से नोटबुक निकालिए और डिग्री ऑर्डर क्या लिखना है, ओडी ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री, जल्दी से लिखिए और मैं 7 सेकंड में आपसे पूछूंगा। 7 क्वेश्चन, 7 सेकंड ज्यादा हो गया, कम हो गया, 15 सेकंड ले लेते हैं। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। Done? Yes. Start करते हैं बेटा। आपका आंसर मुझे मालूम है, आप थोड़े जल्दी में आंसर बताने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं ना। बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑर्डर बोलिए। 4 बोलिए। 1 नॉट टाइम। क्यों 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 क्यों? साइन साइन के साथ बैठा है सर, साइन के साथ बैठा है वो। Yes. अच्छा अब सुनिए एक चीज और बता रहा हूँ, मान लो कोई बच्चा ऐसा करता कि इधर y पावर 4 है ना, मैं इसको 4 बार लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू में साइन y 3 बार है, कोई बच्चा सोचेगा सर साइन को इधर ले लेता हूँ, साइन इनवर्स ले लेता हूँ, तो बेटा वापस तो इधर फंसा दिए ना आप उसको। Yes, sir. बेसिकली आप आजाद नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे तो डिग्री नॉट डिफाइंड, 1 नहीं बोलना है, डिग्री नॉट डिफाइंड, वेरी गुड, क्या बात है। नेक्स्ट बोलिए बेटा लोग। दो बार डिफरेंशिएट किया गया, तो ऑर्डर हो गया बेटा 2 और डिग्री हो गया 1। मैं बोला ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ये है तो इसका ही सुना जाएगा, कोई बच्चा भावुक होकर 4 मत लिख देना, नहीं बेटा ये तो हार गया है ना, इस घोड़े के मालिक को इनाम थोड़ी मिलेगा, तो 4 को कुछ नहीं मिलने वाला है, 4 को ना ही ऑर्डर मिलेगा ना ही डिग्री मिलेगा, इनको बोलिए बेटा तो निकल चल। हाँ जी यहाँ पे आ जाइए, ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड और डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि कॉस के साथ है ना, और ये कॉस है ना सर, फंस गया वो बेचारा, अब आजाद भी नहीं हो पाएगा, उधर लेके जाओगे तो इधर कॉस इनवर्स आ जाएगा, मतलब ही नहीं है सर, तो डिग्री क्या हो गया बेटा इसका, नॉट डिफाइंड, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1। अच्छा ये सब लोग कैसे, हमको थोड़ा सा भी मतलब है? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हमें अपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से मतलब है, बाकी एक्स वाई क्या कर रहे हैं, है नहीं है, किसके साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई पंगा नहीं है सर, क्या बात है। आगे आ जाइए, डिग्री ऑर्डर 3-2 ऑर्डर 3 डिग्री 2 यस बिल्कुल सही है, यही जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये है तो यही जीतेगा, काम खत्म, ये लोग जाओ सर, कोई तकलीफ नहीं है सर यहाँ पे। इसका बता सकते हो आप लोग, 3 होगा ऑर्डर और डिग्री 1 होगी, डिग्री 1, क्या बात, कांग्रेचुलेशन बेटा सीख गए आप, नाइस। सो एनी प्रॉब्लम टिल नाउ गाइस? नो सर, नो सर, पंगा नहीं है ना, नहीं है सर कोई पंगा नहीं है। आगे चलिए, अब एक इंटरेस्टिंग सा चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन देखो आते हैं, मैं पहला बार लिखा था आपको, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, He who seeks for methods without having a definite problem in mind seeks for the most part in vain. इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा, इंग्लिश का जीनियस आदमी बेटा, मतलब ये है कि जो लोग
बिना प्रॉब्लम का दिमाग में ना ऐसा मेथड खोजने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करे वेन समझते हो, नस, शरीर का नस वो होता है, सिक्स फॉर द मोस्ट पार्ट इन वेन, मतलब जो दिमाग में नहीं सोचते हैं वो नसों में दौड़ता रहता हूं उनके लिए। इसका मतलब बहुत गहरा भी है, आप सोच सकते हो जितना रिलेट कर पाओ। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया ऊपर ऊपर का। अब बात आती है सर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा क्यों जाता है, वेरी नाइस क्वेश्चन सर, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा क्यों जाता है, ठीक है, यस, जस्ट गिव मी वन मिनट टाइम एंड आई विल बी बैक। एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको, क्या सिखाना चाहता हूं, क्वेश्चन दिखा आप लोगों को। यस सर, यस सर। बड़ा आईआईटी एडवांस 1997 का सवाल है, जहां से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया गया था, जहां से सोचा गया था, बेसिकली सेम चीज से पूछ दिया। बेसिकली आई नो कि बड़ा स्क्रीनशॉट लेने से ये थोड़ा फट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है स्फेरिकल रेन ड्रॉप evaporates at a rate proportional to its surface area any instant, ये t है, the differential equation giving the rate change of the radius of the raindrop is, पूछा था 1997 में, क्या बताइए कि क्या होगा। Now बेटा exactly mathematician के सामने same problem आया था, आप force का definition जानते हैं ना, F is equal to mass into A, actually ये नहीं, कोई जानता है सर इसको कैसे प्रूफ किया गया है, कोई जानता है तो बताओ। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कितने लोग जानते हैं सर ये प्रूफ कहां से होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यार मैं 12th के बच्चों से ये पूछ रहा हूं, सो आई विल एक्सपेक्ट कि बेटा इतना तो आंसर दीजिए आप लोग, कितने लोग जानते हैं, आदित्य बेटा बताइए आप, हाउ यू प्रूफ न्यूटन्स लॉ ऑफ, हां ये बताना सर, ये बताना है बेटा कि एफ इज इक्वल टू मास इनटू ए कहां से आता है। नहीं जानते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइएगा देखिएगा, सेम प्रॉब्लम आएगा आपको। चलिए ना एक बेसिक सा चीज पूछ लेता हूं यार, कितने लोग जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस सर, बोलिए आप बोलिए, मेरे को मालूम था ये याद रहेगा इसलिए मैं पूछा। F equal to g m1 m2 सर, F equal to g, नो नो, जस्ट गिव मी टोटल स्टेटमेंट। Force of gravitation is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to distance, square of distance between them. थोड़ा सा relate कीजिए, आपको same दिखेगा ये। Proportional, constant, something, inversely proportional है, product of their masses, ये क्या ना, directly proportional to product of their masses, inversely proportional to the square of distance between them. तो बेटा ये सारा चीजें वहां से relate होती है। मतलब क्या है ना, आपको एक चीज बता रहा हूँ इन शॉर्ट, कि आप जितना भी चीजें पढ़ते आ रहे हो, डेरिवेटिव लिमिट एओडी सब का सब, ये ओरिजिनेट यहां से होते हैं। वो मेथड्स थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम एक्चुअली अब आएगा, कैलकुलस का अच्छा प्रॉब्लम अब देखोगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में, मजा आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले बोला। अब पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, हम पूरे के पूरे अपने ओडीई में बोलता हूं, एक्चुअली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, इसमें दो चीजें करेंगे। सबसे पहले वी क्रिएट प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे, फिर हमारा काम क्या रहेगा, देन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स। क्या ही चीज है सर, हम पहले प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे और बाद में उसको सॉल्व करेंगे, तो किए ही क्यों सर, क्रिएट क्यों किए, बस बेटा हो गया हो गया। अब देखिए आज के लेक्चर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना सिखा दूंगा, 10 से 15 मिनट में तो काफी सिखा दूंगा आपको, सॉल्व करने नेक्स्ट लेक्चर से सीखेंगे। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 9.1 9.2 9.3 ध्यान से पढ़ के आना है, करके आना है, पढ़ के आना है, सो दैट कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो अपना लेवल हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा बेटा, फोकस रहेगा कि चलिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सॉल्व अपन लोग बाद में करेंगे, सॉल्व करने के तरीके होंगे ना, जब जैसे जैसे जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बढ़िया तरीका, उतना अलग तरीका ये सोचा जाएगा। मानकर चलिए बेटा कि कोई एक इंसान था, फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही की बात ले लेता हूं, सोचा कैसे ये बता देता हूं। मान लीजिए उसने ये सोचा डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस मेरे को हाँ और ना में जवाब चाहिए आपका। यस सर, यस सर। अब उसने क्या किया बेटा, सोचा कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है
तो ये किस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हमारा कंसर्न है कि अब हम फंक्शन को फाइंड करना चाहते हैं। देखिए यहां पे हो गया आपका प्रॉब्लम, हम आएंगे कि सर ये रहा फंक्शन, फिर अगले लेक्चर में हम फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन, फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारा रास्ता रहेगा। स्कूल घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस यही रहेगा। अब देखिए आपको मालूम है कि बेटा जब जब डेरिवेटिव हटाना होता है हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो उसने क्या किया रहेगा, इसको इंटीग्रेट किया रहेगा। अब जब एक बार इंटीग्रेट किया तो उसके सामने ये आया रहेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस में सी वन आ गया रहेगा, एक कॉन्स्टेंट आता है आपको मालूम है। फिर उसने देखा कि सर एक बार और डेरिवेटिव मिल रहा है, वापस हटाइए, वापस हटाने के लिए उसने एक बार और इंटीग्रेट किया रहेगा, एक बार और इंटीग्रेट किया रहेगा, इंटीग्रेट करेगा तो बेटा हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस में सी वन एक्स और फिर वापस से सी टू मिल गया रहेगा। अब उसको लगा कि ठीक है सर आ गए अपन, मिल गया फंक्शन, कि सर इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन ये होता है। तो ये रहा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रहा हमारा फंक्शन। लेकिन क्वेश्चन ये है सर उसको क्यों लगा, अब उल्टा सोचते हैं कि अगर ये फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन था तो ये उसका फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन ये है। तो सर एक बात बताइए, इस फंक्शन को दो ही बार डिफरेंशिएट उसने क्यों किया था, इस फंक्शन को उसने दो ही बार डिफरेंशिएट क्यों किया, तीन बार चार बार क्यों नहीं किया? अगर तीन बार चार बार कर देता तो मजा तो और आता ना सर, देख लीजिए कितना मजा आता, आपके सामने दिखा दे रहा हूं कितना इंटरेस्टिंग चीज है। आप इसको तीन बार कीजिए, जैसे ही थर्ड टाइम इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा ये हो जाएगा डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव वन, मजा तो और आ जाएगा। जब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे आप डी फोर वाई डिवाइड बाई डी एक्स फोर इक्वल टू टू, सोचकर देखिए ये ज्यादा प्यारा है कि ये ज्यादा प्यारा है, जीरो से तो अपनी बहुत बनती है ना, जीरो कोई पंगा नहीं करता, जीरो से बहुत बनती है हम लोग, तो ये तो सर सबसे ज्यादा प्यारा है। उसने दो ही बार क्यों रुका, करते जाता डिफरेंशिएट सर, मिलते जाता उसको। और उसको कैसे मालूम पड़ा सर दो बार इंटीग्रेट कर देंगे तो आप फंक्शन पे आ जाएंगे? पूरे चैप्टर में बेटा यही सीखना है आपको कि कितने बार डिफरेंशिएट करना है, कितने बार इंटीग्रेट करना है, लिटरली बता रहा हूं सिर्फ यही है। और इसी के तरीके हैं जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर बना दिए। देखिए सीन कहां पे होता है, चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना हम लोग शुरू करते हैं। इंटीग्रेट आप लोग साथ में बोलिए क्या होगा, इंटीग्रेट कर रहा हूं और कुछ नहीं, मैंने इसको यहां पे इंटीग्रेट और किसी भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, उल्टा सोच के ना इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, एनी कांस्टेंट ही तो होगा। वापस इंटीग्रेट कीजिए बेटा लोग, वापस इंटीग्रेट कीजिए d स्क्वायर y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू x 1 x plus c 2, यस सर, ठीक है। जरा एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए dy अपॉन dx इक्वल टू c2 स्क्वायर प्लस c2x प्लस 1 x स्क्वायर बाय 2 प्लस c2x स्क्वायर बाय 2 c3। जरा एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं ठीक है। सीन देखिए, क्या हम लोग लास्ट में पहुंचते पहुंचते अपने ओरिजिनल फंक्शन को खो दिए? हाँ जी, ओरिजिनल फंक्शन तो ये था ना सर, अब ये तो आया ही नहीं सर, इसमें तो क्वाड्रेटिक का टर्म्स ही नहीं आया था, इसमें तो क्वाड्रेटिक का टर्म आ रहा है सर, फर्क दिखा आपको? जी बेटा फर्क दिखा आपको? तो उसको एग्जैक्टली कैसे मालूम पड़ा कि मेरे को सेकंड ऑर्डर तक ही जाना था, उसने चार बार क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने एक बहुत बेसिक सा चीज देखा था और नया मेथड निकाल दिया। सच में जिसने खोजा रहेगा, जिसने सोचा रहेगा, ऑब्वियस बात है न्यूटन और लेबनीज का काम है, बहुत जीनियस आदमी है, उनकी जब आप माइंड में जाकर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा सर सच में क्या जीनियस आदमी है जो ये सब सोचा है। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं बेटा, दो, इनका ऑर्डर क्या हुआ, टू। सर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्टली वही होता है। यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे कितना है बेटा, ये आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, वन टू थ्री दो तीन चार, कितने बार डिफरेंशिएट किया गया, फोर बार। समझ में आया आपको?
यस सर। तो किसी फंक्शन को देख करके कितने बार डिफरेंशिएट करना है ये कौन डिसाइड करेगा? आपका आर्बिट्री कांस्टेंट डिफाइन करेगा। अब इतना देखकर ना सर आपको लगता रहेगा सर ठीक सर ठीक है चिंदी है अपन आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे, बोलेंगे सर लो आंसर आ गया। बट अगर ऐसा ही होगा तो आपको लगता है 12th पढ़ने में 1 साल लगेगा? बिल्कुल नहीं, 2 से 3 महीने में उड़ा देंगे पूरा 12th, इतना ही आसान होगा। तो पहले रिजल्ट देख लीजिए क्या लिखा है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ कर्व, ध्यान देना ऑर्डर जो होता है बेटा ऑर्डर फैमिली ऑफ कर्व डिफाइन करता है, इज सेम एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व। एक बार मैं वापस इनको हाईलाइट करना पसंद करूंगा कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स इज सेम एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व। बेसिकली सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, मजा आ गया अंडरलाइन करके। क्या आपको समझ में आया बेटा कि ऑर्डर एग्जैक्टली सेम कैसे होता है आर्बिट्री नंबर, ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट पे डिपेंड कैसे करता है? हाँ जी सर। Yes, अब आप आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट कीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए, सर आपको उतने बार डिफरेंशिएट करना था। अब यहां से आपको कोई बोलता कि सर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कितने बार करते? 4 बार। यहां से देखिए कितने बार करते हैं? 2 बार। और बोलते सर लो सर इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन यही है, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन सर ये है, सीधी बात, नो बकवास। आते हैं सर और आगे, ऑब्वियस बात है कि क्योंकि कहानी में सर आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करना है तो जरा सीख लेते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है। एक टारगेट जरूर दिमाग में रखना बेटा कि वी विल ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट जितने कम रहेंगे हमारे लिए उतने, मैंने आपको बोला ना आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करता है, आपका ऑर्डर डिफाइन करता है कि कितने बार आप डिफरेंशिएट करोगे। तो ऑब्वियस बात है सर जितने कम रहेंगे उतने कम बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमारे लिए और अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब जिन बच्चों को आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में नहीं मालूम है तो बेटा ये होता है कि जो चेंज हो है तो कांस्टेंट लेकिन वेरिएबल के फॉर्म में कांस्टेंट होते हैं, मतलब दे कैन टेक एनी वैल्यूज, आप अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। आप 1 में लिख दिया तो 1 इज नॉट ए आर्बिट्री कांस्टेंट, इट इज रियल कांस्टेंट। अब यहां पे आ जाइए, पहले इक्वेशन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आईआईटी अब आपसे पूछेगा। देखिए आ जाते हैं एक करके सॉल्यूशन में सर। हां जी सर बिल्कुल, जरा आर्बिट्री कांस्टेंट गिन के बता दीजिए कितना है। 3 3 कांस्टेंट। यस देखिए सबसे पहले ट्राई कीजिए मिनिमाइज करने का, सॉल्व करने की कोशिश करें आप। तो मैं क्या करूंगा सर एक कांस्टेंट कम करना चाहता हूं। बेटा कांस्टेंट हटाने का सबसे निंजा टेक्निक क्या होता है, डिवाइड कर दो सर। डिवाइड कर दो, इसी से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं सी से डिवाइड कर दिया तो बेटा ये हो गया इधर y इक्वल टू सी ए बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस का 1। क्या ये कांस्टेंट है? नो नो 1 सॉरी हाँ ये कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। नो नो सर, ये देखिए बेटा बी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, बी कांस्टेंट सी कांस्टेंट। यस सर, तो दोनों डिवाइड होके क्या देंगे? एक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट कांस्टेंट है और आर्बिट्री कांस्टेंट भी है, क्योंकि जैसे जैसे बी और सी का वैल्यू चेंज करोगे रेशियो अपने आप चेंज हो जाएगा। क्या बेटा ये भी है एक आर्बिट्री कांस्टेंट? यस सर। हाँ जी सर। क्या ये 1/c भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है? हाँ जी सर ये भी है। तो टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो गए बेटा? 3 3। परफेक्ट, आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर 3। तो इसको कितने बार डिफरेंशिएट करते हैं आप? 3 बार। और जितने बार आप डिफरेंशिएट करोगे वो क्या होता है? ऑर्डर होता है। इसलिए अभी भी नहीं बता पाएंगे हम। चलिए दूसरे वाले में बताइए जल्दी जल्दी से, किसे डिवाइड करेंगे? सी से। चलिए डिवाइड कर देते हो बेटा, हो जाएगा ए बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस में बी बाई सी एक्स और प्लस में 1 इक्वल टू 0/0। बताइए कितने कांस्टेंट? क्या ये आर्बिट्री कांस्टेंट है? नहीं है। क्या ये आर्बिट्री कांस्टेंट है? नहीं है सर। क्या ये आर्बिट्री कांस्टेंट है? यस। क्या ये आर्बिट्री कांस्टेंट है? यस। तो टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो गए बेटा? 2 2। तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, सॉरी ऑर्डर क्या होगा? 2 2। इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2। द टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट डिफाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टिल वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट डिग्री। यहां पे आ जाइए और जल्दी बोलिए। ओ सर मजा आ गया अभी तो, ट्राई टू मिनिमाइज। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। बोलिए बेटा किसे डिवाइड करना चाहिए? सी से डिवाइड कर दीजिए। किसे डिवाइड कर दीजिए? सी से। पहले अपना आंसर तो दे दीजिए आप लोग सर। 1। क्या बात है, वेरी गुड। कैसा सोचा बेटा आपने? सर डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया सी से किया आपने? यस सर। क्या बात है बेटा, तो इधर हो गया x माइनस सी सी माइनस सी स्क्वायर,
उसके बाद वाई ओवर सी। बेटा ये हो गया, एक कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा ना। यस सर। टोटल अपने लिए क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट का काम कर रही है, वन कांस्टेंट। यस सर। समझे? अरे बेटा कांस्टेंट को डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए कांस्टेंट के साथ, तो वही देगा। अब क्योंकि ये कुछ भी वैल्यू ले सकते थे, कुछ भी कांस्टेंट दे सकते, इसलिए मैंने बोला ना आर्बिट्री कांस्टेंट ही है, बट उनका वैल्यू फिक्स नहीं है बस। तो इसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए बेटा? यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे भी इसी ले सकते हैं आप, अभी भी वन ही है। पूछो क्यों? मान लीजिए बेटा आप सी के वैल्यू पे, सी के जगह पे फाइव रख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ये फाइव लेगा और ये नहीं लेगा, सोच कर देखिए। लेगा ना, तो ये एक ही सी हुआ कि नहीं हुआ बताइए। ऐसे इतना करने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली ये लिख देते हैं कि सर अगर आपको सेम आर्बिट्री कांस्टेंट देखते हैं तो काउंट देम वन। अगर लग रहा है सर इधर सी है, उधर भी सी है, इधर भी सी है, उधर भी सी है, पहले मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। मैंने मिनिमाइज किया तो मेरे को मालूम पड़ा सर हर जगह पे तो सी सी ही आ रहा है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो जाएंगे बेटा, एक हो जाएंगे। दूसरे वाले फोटो में बताइए जरा क्या होगा सर? वन आए। कैसा बेटा? वन। कैसे सर? ऑब्वियस बात है ना, ये सी और ये सी एक ही कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है सर, तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितना हो जाएगा बेटा? वन आए। वन। और इसको कितने बार डिफरेंशिएट करते हैं? एक बार। एक बार। ऑर्डर कितने बार होता? एक। एक बार। आ जाइए आईआईटी के सवालों पर। आईआईटी स्क्रीन में सवाल है, मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम देता हूँ। किसका लेक्चर है, केमिस्ट्री का लेक्चर है? ये नहीं सर, फिजिक्स। फिजिक्स। सर आप यहाँ पे हो, अच्छी बात है, चलिए सॉल्व कीजिए। जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए बेटा लोग। वन, ट्राई टू मिनिमाइज, ट्राई टू कलेक्ट ऑल कॉन्स्टेंट टूगेदर, जितना मिनिमाइज करो करो, देन गिव मी फाइनल आंसर। बेसिकली ये था कि इस इक्वेशन का ऑर्डर बताइए आप, आईडी स्क्रीन का सवाल ये था, ऑर्डर बताइए आप। डन डन यस, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए जिसका जिसका आ गया बेटा, जल्दी से बताइए। मैं आंसर के लिए वेट कर रहा हूं बेटा, प्लीज। यस नो समथिंग बोलिए। वन। वन। वेरी गुड। वन और आंसर? फोर। फोर। वेरी गुड। और फोर। वन फोर, दो आंसर्स आ गए। और बोलिए। फोर ही है। ठीक है, मैं सॉल्व कर लेता हूं बेटा। फाइव। वेरी गुड, फाइव आ गया, तीन आंसर्स हैं हमारे पास। मैं इसको ऐसा सॉल्व करता बेटा, सी वन प्लस सी टू, मैंने बोला ना जरा मिनिमाइज करने की कोशिश कर लेते हैं, अपन इसको बिल्कुल बच्चे जैसा सॉल्व करेंगे। अब मालूम नहीं आप लोग समझ गए रहोगे कि नहीं समझे रहोगे कि ये सर मैंने क्या किया इधर, समझ गए? यस सर। यस, बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस होते हैं मल्टीप्लिकेशन में जी। अब देख रहे हो आप, ई पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, जैसे ही कॉमन लोगे बेटा लोग ये आ जाएगा अंदर में कुछ, क्या आ जाएगा बोलिए जरा? सी वन प्लस सी टू ई की पावर सी थ्री प्लस सी फोर ई की पावर सी फाइव। जरा सोच कर देखिए बेटा क्या अंदर वाले सारे कॉन्स्टेंट है। क्या अंदर वाले सारे कॉन्स्टेंट है? तो बेटा ये कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, दोनों मिलकर क्या देंगे? एक कॉन्स्टेंट। तो आंसर आएगा वन। देखिए घुमा दिया आपको आईडिया, इतना सिंपल सी सवाल में घुमा देता है। कितने कॉन्स्टेंट बेटा? वन कॉन्स्टेंट। अब वन कॉन्स्टेंट कैन बी रिटन लाइक वाई इज इक्वल टू के ई पावर एक्स, कॉन्स्टेंट ही है ना, तो कैसे रिप्लेस कर दीजिए आप, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? वन। चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल चमका सर। yes, sir. जिसने वन बोला था बेटा वेरी ठीक हो गया, वेरी मच थैंक यू। क्या बात, जल्दी से बताइए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। एक मिनट, ये मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट आपको काउंट करना सिखा दिया। अब आते हैं जरा, अपना मेन टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अपन लोग जरा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सिखा देते हैं कि अब आपके सामने इक्वेशन आएगा, उसको आपको क्या करना है, प्रॉब्लम क्रिएट करना है। प्रॉब्लम मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कीजिए, बाद में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फंक्शन के पास पहुंचेंगे। चलिए क्या किया जाएगा बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है सर, डिफरेंशिएट कीजिए।
और डिफरेंशिएट करने के लिए अपने को एक चीज ध्यान में रखना होता है, वो क्या होता है बेटा? कॉन्स्टेंट काउंट नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं स्टेप्स लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहला स्टेप होता है बेटा काउंट, ज्यादा ही कर्सिव हो गया ये, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। सेकेंड होता है बेटा, सेकेंड वालों में क्या है? इंटीग्रेशन कॉल, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला समझते हो ना? भगवान, यस, भगवान को बुलाइए। थर्ड, ठीक है, ऑब्वियस बात है ना, भगवान को तब बुलाओगे जब आप फंसोगे, प्रॉब्लम होगी, ऐसे ही भगवान बुला नहीं, सुख में सब साथ ही, दुख में को ना कोई। चलिए यहाँ पे आ जाइए बेटा, मेरे को जल्दी से बताइए कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने? टू, टू। परफेक्ट। कैसे कि अगर आप इसको डिवाइड भी करते बी से तो इधर वन बाई बी आ जाता, तो ये एक अलग कांस्टेंट, ये एक अलग कांस्टेंट हो जाता, क्योंकि ये और बी दोनों अलग अलग है ना। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट टू, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा, ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू ए ई पावर x माइनस बी ई पावर माइनस x। बोलो चमका कि नहीं? बिल्कुल चमक। चलिए यहाँ पे y डबल डैश इज इक्वल टू ए ई पावर x प्लस ई बी ई पावर माइनस x। मेरा एक सवाल है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? Is it a differential equation? Yes, no. Answer is no. Sir. Differential no, equation में जब हम लोगों को arbitrary constant मिल जाए तो हम accept नहीं करते। नहीं करेंगे। समझे? क्योंकि जितने बार ये change होंगे हमारा differential equation change हो जाएगा सर। तो हम इनको accept क्यों ही करेंगे? तो fix खुद ही नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहला step ये था कि count number of arbitrary constant मैंने कर दिया। मैंने बोला call ऊपर वाला, ऊपर वाले को बुलाना कब है? जब आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, इफ देयर इज प्रॉब्लम देन कॉल ऊपर वाला। क्या प्रॉब्लम आ गई? हाँ सर, कि मैंने दो बार डिफरेंशिएट किया फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना। अब सोचिए कि ये भाई साहब के लिए भगवान कौन है? इसके ऊपर वाला ये, यस सर, डबल डेरिवेटिव का के लिए भगवान होंगे, सिंगल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव के भगवान होंगे ओरिजिनल इक्वेशन। तो जरा मुझे बता देंगे कि फोर्थ डेरिवेटिव के लिए उसका भगवान कौन होगा? थर्ड वाला। थर्ड इक्वेशन। और अगर वो भगवान ने हेल्प नहीं किया तो ठीक है, सेकंड वाला आएगा, भगवान से बात कर लेंगे। समझ गए? जी सर। हां जी सर, बिल्कुल कर लेते हैं। देखिए बेटा, क्या ए और बी का वैल्यू यहां से आप ले सकते हो? यस सर। नहीं ले सकते सर। अब देखिए ना, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू कैसे अलग अलग निकाल पाओगे? नहीं। तो इसके भगवान से बात कीजिए, बोलिए जरा ए और बी का वैल्यू बेटा आप दे रहे हो, तो बोल रहे नहीं ए और बी का वैल्यू तो नहीं दूंगा, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो खुद मैं हूँ। यस सर, वाई पुट करेंगे। नहीं समझे अभी भी मैं क्या बोला सर? वाई प्रॉब्लम है, वही तो वाई है। यस सर, इसको वाई डबल डैश, वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई। वाई क्या अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हां जी, अब ये आ गया। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिकॉज़ नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर प्रेजेंट। यस सर, कहानी खत्म सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। यस सर। फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट कीजिए, प्रॉब्लम है ऊपर वाले को बुलाइए। अब ऊपर वाले को कैसे बुलाना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है? यस, वंस अगेन जस्ट यू गाइस टेल मी कि क्या क्या लिखा जाएगा। सर कपीश सर आप यहाँ पे हो? यस सर, आ गए सर। ओके सर, गिव मी 5 मिनट प्लीज। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। चलिए बेटा बताइए जल्दी से नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। 3। क्या बात है, 3 है? यस सर, हाँ 3 है बेटा। सी से डिवाइड कर दीजिए आप जरा, सी से डिवाइड कर दीजिए आप। इधर आ जाएगा सी, इधर आ जाएगा सी, और इधर आ जाएगा 1। 1 2 आएंगे, कोई मिले ना, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ये तो बेचारा रियल कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट में कहां काउंट कर रहे हैं आप लोग? चमका कि नहीं? यस सर। ओनली 2। कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे? दो बार। पहले बार डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, ये हो जाएगा 2ax प्लस में 2by और y डैश, हां जी 2by y डैश इज इक्वल टू 0। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जल्दी से बताइए। 2a 2a 2b प्लस 2b
अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे u into v रूल पे जाएगा। यस सर। y y डैश का डेरिवेटिव होता है बेटा y y डबल डैश y डैश का होल स्क्वायर यस इक्वल टू 0 0। क्या प्रॉब्लम आ गई? मेरा फिर से वही सवाल है कि इज इट डी ई और नॉट? यस नो सर, नो सर। दो तीन लोग और बोलिए, सब लोग बोलिए, प्रेम से बोलिए, क्या ये डी है? नो सर, नो सर। तो क्या करेंगे बेटा? ऊपर वाले को बुलाएंगे। चलिए जरा ऊपर वाले को बुलाते हैं, बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, जरा ए और बी का वैल्यू आप पास करो। इन्होंने बोला देखो भाई हमारे पास तो दो दो पास दिखाने के लिए थे, नहीं है, किसी को पास भेज दिया। हाँ जी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, और बी का वैल्यू चाहिए। ठीक है एक काम करते हैं, पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझ लीजिए। प्रॉब्लम ये है बेटा कि आपके पास वैल्यू जो है वाई वाई डबल डैश प्लस में वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी है। सोच कर देखिए जरा, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को मैंने एक साइड भेज दिया, इधर ए गया माइनस ए, बी आया सर। तो प्रॉब्लम ये है बेटा कि इसको हटा रहे हैं, मतलब माइनस ए बाई बी का वैल्यू लाइए। अब ये वैल्यू देगा इसके ऊपर वाला, देखिए बेटा आप पास कर पा रहे हो? हाँ जी। ये तो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, इसके पास तीन तीन है, किससे यही देगा। और आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना, मैं दोनों में जब जब डिफरेंशिएट करता हूँ थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ। इट विल कम फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि सर मेरे को जगह छोड़ना चाहिए था, इसलिए मैं जब भी सवाल करता हूँ डिफरेंशिएट करता हूँ मैं थोड़ा सा स्पेस जरूर दे देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे भी इतना स्पेस दिया था, आपको भी वही करना, एक दो लाइन छोड़ दो यार। अब देखिए बेटा जब आप ए यहाँ पे ये देख लीजिए y y डैश इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए। यस सर, यस सर। अब उठा कर रख दीजिए यहाँ पे, ऊपर वाले ने मदद किया इस बार जी, कर दिया। y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू y y डैश, कहानी खत्म, कैंसिल हो गया, मजा आया। अरे बिल्कुल सर, यस सर, यस सर। बोलिए जल्दी जल्दी, वी हैव 3 मिनट्स ओनली। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1 1, हमारा डिफरेंशिएट किया जाए एक बार y डैश इज इक्वल टू सी बस 0। क्या ये डी है? इज इट डी? नो सर, नो सर। अगेन आपको सी दिख गया ना, आर्बिट्री कांस्टेंट जो था वो वापस आ गया। यस सर, आंसर इज नो। नो, अब कहां जाओगे आप? ऊपर वाले के पास। ऊपर वाले से सी निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं, नहीं, बहुत मुश्किल है सर सी को निकालना। अब देखो बेटा बात ये होती है कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि भक्त हमेशा भगवान के पास जाएगा, भगवान भी तो भक्त के पास आ सकते हैं। हां जी, तो काम कीजिए सी को उठाकर ऊपर रख दीजिए। आपकी बार भक्त को भगवान के पास भेज दीजिए, पहले भगवान भक्त के पास आ रहे थे ना, पहले ऊपर वाला मदद कर रहे थे, भक्त बचाएगा भगवान को। तो बेटा आंसर क्या आएगा जल्दी से बोलिए? y is equal to y dash x minus y dash whole square minus y dash cube. Very good, very good. समझ गए? Yes sir, समझ गए। क्या था? सर अगर ऊपर वाला मदद हमारी नहीं कर पाए तो हम उनकी कर देंगे। लीजिए अब जरा ऑर्डर बता दीजिए आप। ऑर्डर तो सीधा सीधा एक दिख रहा था, ऑर्डर 1 आएगा, डिग्री 3 आएगी, आएगी। कैसे आपने ये क्यों बोला? ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 3 3। जो सबसे बड़ा है वही जीतेगा ना, सबके पास 1 1 थे। अब ये भाई साहब 1 बार भागे लेकिन इनके मालिक 3 है, तीनों लोग को प्राइज मिलेगा। तो किस घोड़े को सबसे ज्यादा बार प्राइज मिला? किसको मिला सर? तीसरे वाले। काम खत्म। नाउ अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, दिस इज ऑल फॉर यू। Once again guys, honestly जरा effort मारना, मैं लिख कर दे रहा हूँ किसको IIT advance ने पूछा है, just 3 साल बाद mains ने पूछा था इसको, इसको JEE ने पूछा। तो advance ने पहले पूछा, 3 साल बाद mains ने पूछा। coordinate geometry का problem है, last में आप एक चीज देखोगे मैंने कुछ लिखा है, students can solve NCERT exercise 9.1, 9.2, 9.3, you must refer NCERT page number 385 से 390 examples for better understanding. I request you guys, you must refer this page number 385 से 390 note कर लीजिएगा आप। बात समझ में? Okay sir। हाँ जी sir, PDF आपको मिल जाएगा। PDF आपको तो मिल जाएगा। लेकिन एक काम करना, ये IIT के सवालों को effort जरूर मारना, honestly मारना, कोई Google से नहीं करेगा। Don't try to be over smart, ना? I am more smart। Yes sir। Obviously बात है। हमसे smart मत बनना, क्योंकि हमसे smart बनोगे तो कहाँ जाओगे? खुद से smart बनो। समझ में आई बात? Okay sir। Yes sir। Thank you so much, sir.